बुरा ना माने तो मैं राधा से अकेले में बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। अजी भैया तुम्हारी लाइफ में पहले लड़के हैं या इससे पहले भी कोई? बाय द वे, आपके पापा वॉशिंगटन में है ना? हाँ, मैं भी वही थी। बाय। इस लड़के से बच के रहना पड़ेगा। क्या नाम है उसका? असीम। इससे पहले कि वो राधा या किसी और को कुछ बोले या उसका मुंह खुले, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। मॉम, बुआ ठीक कह रही है। मैं अपनी दोनों भाभियों से मिलकर आई हूँ और मुझे इन दोनों रिश्तों में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तारा, मैं कुछ समझी नहीं, ये तू क्या कह रही है? अरे भाभी, तारा ने जो कहा सब कह दिया। चलो, कोई तो इस घर में आ गया जो मेरा साथ दे, कसम से। वैसे भाभी, मैं तो कब से कह रही हूँ, दोनों रिश्तों में टेंशन ही टेंशन है। अब तो तारा ने भी कह दिया है, अब क्या कहती है आप? तुम तो सब कुछ जानती हो, उसके बावजूद। अरे भाभी, जब सारी बातें साफ साफ हो रही हैं, तो आप क्यों घुमा फिरा कर बात कर रही है? ललिता, तुम अपनी हदें पार कर रही हो। अरे भाभी, ये सब बातें मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई बात हद से आगे न बढ़ जाए। वैसे भी कुछ बिगड़ा तो नहीं अभी तक। चलो, एक बात तो क्लियर हो गई है कि मेरे पीछे से आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है। गुड, आई लाइक इट। और मॉम, आपको तो पता है कि मुझे साफ साफ कहने वाले लोग ज्यादा पसंद है, और आपने तो मुझे हमेशा साफ साफ बोलना सिखाया है ना? तो फिर आज आप इतना क्यों घबरा रही हैं? लेकिन तारा, मैं ये कह रही थी कि मॉम, आप कुछ नहीं कह रही थी, पर मैं आपको अपनी राय बता देती हूँ। मॉम, मैं राधा को तो बचपन से जानती हूँ, पर भाभी के रूप में उसे पहली बार मिली हूँ, और दिव्यानी भाभी को भी पहली बार मिली हूँ, पर किसी से भी एक बार मिलकर आप उनकी जिंदगी, उनकी सोच के बारे में अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना? मॉम, मुझे दोनों भाभियों से मिलके कुछ स्ट्रेंज सी फीलिंग हो रही है। दिव्यानी भाभी की आंखों में चमक तो है, पर वो शादी की खुशी की चमक नहीं है, और राधा भाभी की आंखों में तो चमक है ही नहीं, सिर्फ उदासी है। हाँ तारा, मुझे भी ना ऐसे ही लग रहा है। मॉम, मुझे लगता है कि रवि भैया का रिश्ता उनकी पसंद से हुआ है और अजय भैया का रिश्ता आपकी पसंद से हुआ है, पर क्या जिनके रिश्ते जुड़ रहे हैं उनकी पसंद आपस में मैच करती है? अरे तारा, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मैं तो कब से कह रही हूँ, एक के खानदान का पता ही नहीं और दूसरे के खानदान का पता है, पर लड़की का पता नहीं। सवाल खानदान का नहीं है, सवाल उनका है जिनके साथ मेरे भाइयों को लाइफ बितानी है। आपको नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी हो रही है? लेकिन तारा, मैं मॉम, डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी कमी होगी मैं उसे पूरा कर दूंगी। ओके, ऐसे क्यों रो रही हो? राधा ने देख लिया तो उसके दिमाग में 10 तरह के सवाल उठेंगे। चुप हो जाओ। आंसुओं पे किसी का बस नहीं चलता जी। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अभी तो उसकी उम्र ने पहली मंजिल भी नहीं देखी, और भगवान ने इतने दुख उसे दे दिए। पति की मौत का दुख उसे देखना पड़ा, और जब उसके हाथों में दोबारा मेहंदी लगने का वक्त आ गया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। भगवान ने करे, शादी से पहले अगर उसे इस सच्चाई का पता चल गया तो। चुप, दीवारों के भी कान होते हैं, चुप हो जाओ। मुझे अपनी बेटी की खुशी चाहिए बस। देखिए, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, मुझे मेरी बेटी की खुशियां दे दीजिए। उसके सामने पूरी उम्र पड़ी है। करण की मौत का दुख तो हमने अपने सीने में दफन कर लिया है,
लेकिन अगर इस सच्चाई का उसे पता चल गया तो ना तो वो जी पाएगी और ना ही वो मर पाएगी। मैं राधा का दुश्मन नहीं हूँ, पिता हूँ उसका। जानती हूँ कि आप कैसे पिता हैं। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं बहुत बुरा हूँ? जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ और अपनों की आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, यही कहना चाहती हो ना? मंगला, मैंने जो कुछ भी किया अपने खानदान की इज्जत के लिए किया। इस इज्जत को कमाने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन गवाने में एक पल नहीं लगता। ये संजू आने में इतना वक्त लगा देती है कि मेरी सारी एक्साइटमेंट की छुट्टी हो जाती है। आ गई मैडम। हाय। हाय की बच्ची, कहाँ रह गई थी? कब से तेरा वेट कर रही हूँ मैं। क्या बात है रितु, आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो, वरना हमेशा मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। बोलो क्यों इतनी जल्दी बुलाया? पता है घर का सारा काम छोड़कर आ रही हूँ। संजू, घर के काम के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पहले मुझे ये बता कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ? What's the surprise? तुम्हारा प्रमोशन हो गया? नहीं? अब मैं समझी, कुमार इंडिया वापस आ गया, राइट? नहीं, वो आ नहीं रहा, वो आ रही लड़की, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? रितु, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? ओ गॉड, डम्बो, मुझे पता था कि तू कुछ ठीक से नहीं बता पाएगी। स्टूपिड, रुबीना आ रही है भोपाल से। रुबीना आ रही है, डोंट टेल मी। कब आ रही है वो, तुम्हें कैसे पता चला? आकाशवाणी हुई थी। स्टूपिड, उसका फोन आया था, उसको मुंबई में जॉब मिल गया है और हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट होने वाली है। वाह रितु, कितना मजा आएगा ना, कितने सालों के बाद हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होंगे। तुमने राधा को ये न्यूज दी कि नहीं? नहीं, ये खबर मैंने सबसे पहले तुझे दी है। नो प्रॉब्लम, राधा का फोन करके मैं बताऊंगी। रितु, तुझे पता है राधा की शादी में हम सारे फ्रेंड्स बहुत इंजॉय करेंगे। वाह। हाँ संजू, हमारा पुराना वक्त वापस आ जाएगा, वो वक्त जिसमें हमने सबसे ज्यादा मजे किए थे। फोन करती हूँ। हाँ। संजू, तू बात करना, इतना डरती क्यों है? नहीं रितु, अंकल का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, तू बात करना। ओह संजू, कितना डरती है तू। कौन है, बोलता क्यों नहीं? हेलो अंकल, मैं रितु बोल रही हूँ, राधा से बात करवा देंगे प्लीज? क्या काम क्या है? वो अंकल, कुछ पर्सनल बात है, उसी से करनी थी। ठीक है, होल्ड करो। जी राधा, 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 जी पापा। तुम्हारी सहेली का फोन। हेलो। हेलो राधा, तुझे गुड न्यूज देनी थी, रुबीना आ रही है भोपाल से। रुबीना कब आ रही है? कल की फ्लाइट से मुंबई पहुंच रही है। और सुन, मैंने उसे नहीं बताया कि तेरी शादी होने वाली है। तेरी शादी पे हम सब धूम मचाएंगे। I'm so happy राधा। सच रितु, अब कितने दिनों बाद एक अच्छी खबर सुनी है। अच्छा सुन, जैसे ही वो आ जाए ना मुझे फोन कर देना। बहुत मन कर रहा था उससे मिलने का, कितने सपने देखे थे ना हमने एक साथ। राधा, हमारी जिंदगी हम सब फ्रेंड्स को दोबारा मिलवाने जा रही है, और देखना हमारे सारे सपने फिर से जी उठेंगे। राधा, ऐसा लग रहा है ना कि रुबीना बस अभी तुरंत आ जाए। हाँ संजना, जितनी बेचैनी हमें हो रही है उससे मिलने की, उसे भी कम बेचैनी नहीं हो रही होगी। कितनी सारी बातें करनी है उसे। सच्ची राधा, राधा तुझे याद है ना कि रुबीना कभी भी हम लोग को आधी रात से पहले सोने
नहीं देती थी। मुझे सब याद है। हॉस्टल लाइफ की कोई ऐसी चीज है जिसे भुलाया जा सके? अच्छा अब जब उसकी फ्लाइट आ जाएगी तो मुझे फोन कर देना। ओके ठीक है, मैं तुरंत तुझे बताऊंगी। कौन आ रहा है? पापा भोपाल से मेरी बेस्ट फ्रेंड रूबीना आ रही है। हॉस्टल में हम रूममेट थे। पहले के दो लड़कियां कम थी, जो एक और आ रही है। ज्यादा कोमल और ग्लोइंग त्वचा पाना अब हुआ बेहद आसान। ट्राई करें डाव ब्यूटी बार सिर्फ 20 रुपए में। खूबसूरत दाम खूबसूरत त्वचा के लिए। क्लोजअप में है एक्टिव क्लीन माउथवॉश, जो मुंह के हर कोने से बदबू पैदा करने वाले कीटाणुओं का सफाया करने में मदद करे और दे सबसे ताजा सांसें। अब सिर्फ 10 रुपए में क्लोजअप टास्क। हमसे कि क्या हम यहाँ से हार चले? वाह वाह क्या बात है, क्या लिखा है। चुप कर अभी, इनकम्प्लीट है। ना पूछ हमसे कि क्या हम यहाँ से हार चले, तलाशे यार में बस जिंदगी गुजार चले। क्या बात है। अब मेरी दूसरी गजल सुनो। बेवकूफ गजल नहीं, अगला शेर पढ़। हाँ मतलब वही, तुम समझ गई ना। अब सुनो। तुझे नसीब हो खुशियाँ सलाम फूल करे। क्या बात है। तुझे नसीब हो खुशियाँ सलाम फूल करे, तू जाए जहाँ साथ में बाहर चले। क्या बात है, वाह 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 वाह। उसके बाद जो होश आया तो बिखरे मिलेंगे सब सपने। मैं मांगती हूँ दुआ ता उम्र ये खुमार चले। तुम सबके चेहरे क्यों उतर गए? गर्ल्स हमें कमजोर नहीं, हमें ताकतवर बनना है। दूसरी लड़कियों की तरह लाइफ में आंसू नहीं बहाना, हमें अपनी खुशियों का आसमान ढूंढना है। हमें अपनी वजूद को एक नई पहचान देनी है। दुनिया में कुछ भी बदल जाए लेकिन हमें अपनी दोस्ती हमेशा कायम रखनी है। वादा करो जिंदगी हमें दूर रखे या करीब, हम एक दूसरे के दिल से कभी दूर नहीं होंगे। रूबीना हम तीनों तो साथ मुंबई चले जाएंगे लेकिन तुम तो हम लोगों से बहुत दूर हो जाओगी। डोंट वरी, मेरी चिंता मत करो। भोपाल से मुंबई थोड़ी ना दूर है। मेरा क्या है, मैं अम्मी को लेकर कभी भी याद धमकूंगी। और याद है ना कि हमने अपनी जिंदगी में जो जो डिसाइड किया है हमें वो सब करना है। ऑफ कोर्स हम सब ने अपने अपने सपने देखे हैं और हम वो सपनों को जरूर पूरा करेंगे। मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी यार। हम सब भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। लेकिन याद रखना रूबीना, मुंबई में तुम्हारे 3-3 घर हैं। जगह तो दिल में होनी चाहिए, वही घर बन जाता है। अब एक बार मुस्कुरा दो यार, बिछड़ने का वक्त हो गया है। कहता है कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। रूबीना वापस आ रही है, हम चारों सहेलियों का वक्त फिर करीब आ रहा है। शायद जिंदगी जीने का फिर से मकसद मिल जाए। मौसम बदलते ही गर्म कपड़े पहनाए थे, फिर भी खांसी बुखार। गर्म कपड़े काफी नहीं, ये दूसरों से मिले कीटाणुओं से भी हो सकता है। बाथरूम। वाह। अब ये और भी सुरक्षित रहेगी। नए लाइफ बॉय में है एक्टिव 5, जो आम साबुन के मुकाबले कीटाणुओं से दे 100% बेहतर सुरक्षा। बस हमारी तो ऊपर वाले से यही
मेरी दुआ है कि आपका वैवाहिक जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, आपका कोई भी सुख अधूरा ना रहे। बस माफ कीजिएगा, आपकी सारी शुभकामनाएं मेरी सर आंखों पर मैंने आपको पहचाना नहीं। सर पहचानेंगे कैसे, मिले ही नहीं अभी तक। बिना मिले ही जब कोई किसी को मुबारकबाद देता है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को जानते हैं। आप मेरा नाम जानते हैं, मेरा नंबर जानते हैं, पर मैं आपको नहीं जानता। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? काश किसी को पहचानना इतना आसान होता साहब। वैसे मैं देवराज अंकल का जानकार और आपका शुभचिंतक। वैसे राधा भाभी के साथ आपकी जिंदगी बहुत मस्त बीतने वाली है। अभी तो हमारा रिश्ता भी नहीं बना और आपने राधा भाभी कहना शुरू कर दिया। एक्चुअली आदत सी हो गई है ना, इसीलिए। मतलब अब देखिए ना, रिश्ते बनने में वक्त ही कितना बचा है। अब आपका शुभचिंतक हो तो आप ही की तरफ से रिश्ता बनाऊंगा ना साहब। बस अभी से उन्हें राधा भाभी कहने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आपने सिर्फ शादी की मुबारकबाद देने फोन किया या? काफी समझदार है अजय साहब। एक बात तो माननी पड़ेगी, देवराज अंकल है बहुत नसीब वाले, कि उन्हें आप जैसा दामाद जो मिला। अच्छा, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आपके प्रिय ससुर जी आपसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? वैसे ये बात अगर आप उन्हीं से जाकर पूछ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आप मेरा नाम लेकर पूछेगा? आपको खुद ब खुद बता देंगे। लेकिन आपने अपना नाम तो नहीं बताया। मेरा नाम असीम है।